बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पीएम मोदी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सुनकर सब हैरान हैं। पहले आप भी एक बार वो वायरल वीडियो क्लिप को सुनिए। मोदी तुम नीच हो, मोदी तुम सांप हो, मोदी तुम बिच्छू हो, मोदी तुम अनपढ़ हो, मोदी तुम चाय वाला हो। इस वीडियो को कांग्रेस से जुड़ी रितु चौधरी ने ट्वीट किया है, साथ में लिखा है, जब बार बार वेटर की तरह एयरपोर्ट पर खड़ा कराया जाएगा तो जेपी नड्डा जी बदला तो लेंगे ही। इसके अलावा कई और लोग भी इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, साथ ही तरह तरह के कमेंट सामने आ रहे हैं। लेकिन जब हमने वीडियो की सच्चाई जानने के लिए इसकी पड़ताल की तो सच सामने आ गया। जेपी नड्डा खुद पीएम मोदी के लिए ऐसा कुछ नहीं बोले, वो कांग्रेस नेताओं की बात बता रहे थे। आप भी सुनिए जेपी नड्डा के भाषण का वो पूरा हिस्सा। पहले भारत दुनिया में जब अमेरिका जाता था, भारत जब अमेरिका जाते थे तो चर्चा क्या होती थी? टेररिज्म, पाकिस्तान, कश्मीर। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, किसी ने चर्चा पाकिस्तान की नहीं की, विकास की, डेवलपमेंट की और विकास को आगे बढ़ाया। ये बदलता भारत है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मोदी यू आर दी बॉस, मोदी यू आर दी हीरो, मोदी यू आर दी ग्लोबल लीडर, मोदी यू आर दी रिफॉर्मर इन चीफ, तो हमारे कांग्रेस भाइयों के पेट में मरोड़ होता है। मरोड़ मरोड़ क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? मोदी तुम नीच हो, मोदी तुम सांप हो, मोदी तुम बिच्छू हो, मोदी तुम अनपढ़ हो, मोदी तुम चाय वाला हो। लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता मोदी के साथ खड़ी हो जाती है और उनको जवाब देती है, ये हमको देखना चाहिए। दरअसल जेपी नड्डा तेलंगाना के नगर कुरनूल में भाषण दे रहे थे। उसी भाषण के हिस्से को एडिट करके वायरल कर दिया गया। पड़ताल में सामने आया कि वीडियो को एडिट करके वायरल किया गया ताकि लोग ये समझे कि बीजेपी में फूट पड़ गई है और नेताओं की छवि खराब करने के लिए ऐसा किया गया। अक्सर सियासत में भाषण या बयानों को कई बार इस तरह से एडिट करके गलत तरीके से पेश किया जाता रहा है। ऐसे वायरल वीडियो पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।